अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। निगम परिषद की बैठक में कई विकास कार्यों को मिली स्वीकृति। मटन एवं मछली विक्रेताओं के लिए बनेगा नवीन मार्केट। शुक्रवार को नगर निगम परिषद का साधारण सम्मेलन सभापति रवि जैन की अध्यक्षता में तथा महापौर श्रीमती गीता अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, आयुक्त रजनीश कसेरा, सांसद प्रतिनिधि व प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से सभापति श्री जैन ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। परिषद सम्मेलन में रखे गए विषयों में UIDSSMT जल प्रदाय प्रथम चरण योजना के अंतर्गत नगर निगम देवास द्वारा बनाए गए क्षिप्रा बैराज में एकत्रित होने वाले जल का उपयोग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वार ने शुल्क किए जा रहे जल का शुल्क निर्धारण के संबंध में मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण योजनांतर्गत इंटरस्टेट बस टर्मिनल ISBT फेस एक निर्माण कार्य राशि ₹5,59,70,050 विथाउट GST की SLTC की बैठक दिनांक 1 फरवरी 2023 में की गई अनुशंसा की वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि की प्रत्याशा में महापौर के द्वारा प्रदाय की गई स्वीकृति की पुष्टि की स्वीकृति। लक्ष्मण नगर बगीचे में प्रस्तावित गार्डन का नामकरण संत गाड़गे बाबा के नाम से करने बाबत इसी के साथ यूजर चार्जेस की दरों में संशोधन एवं अतिरिक्त प्रकार की दरें सम्मिलित किए जाने के संबंध में MIC से अनुशंसित प्रकरण की स्वीकृति बाबत भोपाल बाईपास चौराहे पर महाराज अग्रसेन जी की प्रतिमा स्थापित एवं चौराहे का नामकरण अग्रसेन चौराहा करने के संबंध में MIC से अनुशंसित प्रकरण की स्वीकृति। इस प्रकार से 6 विषय सम्मेलन में विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु रखे गए। सभापति श्री जैन के निर्देशानुसार सचिव उपायुक्त वित्त डॉक्टर पुनित शुक्ला ने विषयों को परिषद सदस्यों के समक्ष वाचन किया। विषयों पर विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा दी गई। रखे गए विषयों में लक्ष्मण नगर बगीचे में प्रस्तावित गार्डन के नामकरण के संबंध में प्रस्तावित गार्डन की भूमि पर निगम के विभागीय कार्यालय में आपत्ति पत्र आने से आपत्ति पत्र निराकरण होने के पश्चात आगामी परिषद बैठक तक विचारार्थ रखा गया है। सभापति ने परिषद में रखे गए शेष सभी विषयों पर क्रमश पृथक पृथक चर्चा की तदोपरांत उपस्थित सभी परिषद सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति देते हुए प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही रखे गए अन्य विषयों पर भी सहमति देते हुए स्वीकृति प्रदान की गई। सभापति द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा ने शुल्क किए जा रहे जल का शुल्क निर्धारण के संबंध में सभापति द्वारा उपस्थित सदस्यों को विस्तृत जानकारी से अवगत कराया, जिसकी भी स्वीकृति सर्वसम्मति से परिषद सदस्यों द्वारा दी गई। परिषद सदस्यों द्वारा अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर विभागवार अपने प्रश्न रखे, जिसके क्रमश उत्तर विभागवार लोक निर्माण समिति अध्यक्ष गणेश पटेल, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बैस, लेखा एवं वित्त विभाग समिति अध्यक्ष अजय तोमर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग समिति अध्यक्ष रामदयाल यादव, सामान्य प्रशासन समिति अध्यक्ष पिंकी संजय दायमा, विद्युत विभाग समिति अध्यक्ष सपना अजय पंडित द्वारा संतोषजनक दिए। गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ समिति अध्यक्ष शीतल गहलोत द्वारा वार्डों में सफाई मित्रों की उपलब्धता को लेकर अपने सुझाव दिए। योजना एवं वाहन विभाग की जानकारी एवं प्रश्नों के उत्तर उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया, कार्यपालन यंत्री नागेश वर्मा, सहायक यंत्री इंदुप्रभा भारती, जगदीश वर्मा, सौरभ त्रिपाठी, स्वास्थ्य अधिकारी जितेंद्र सिसोदिया के द्वारा दिए गए। पार्षद सोनू परमार द्वारा मटन एवं मछली मार्केट को अन्यत्र स्थान पर किए जाने की मांग रखी, जिस पर विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल द्वारा अवगत कराते हुए बताया कि कलेक्टर से इस हेतु भूमि का आवंटन एवं चयन होने के पश्चात उक्त स्थान पर मटन एवं मछली मार्केट स्थापित किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति MIC से प्राप्त हो चुकी है।
नेता सत्ता पक्ष मनीष सेन ने परिषद प्रश्नों में अपने सुझाव देते हुए भारत माता उद्यान में आदि योगी जी की प्रतिमा की स्थापना किए जाने हेतु अपनी बात रखी, जिसे परिषद सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की। दीपेश कानूंगो एवं भूपेश ठाकुर द्वार निगम के वाहनों में जीपीएस सिस्टम की चाही गई जानकारी से आयुक्त रजनीश कसेरा द्वारा विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। श्रीमती बिंदेश्वरी राज वर्मा, ऋतु सवनेर, खुशबू नीलेश वर्मा, निधि प्रवीण वर्मा, दिव्या नितिन आहूजा, अकीला अजब सिंह, आस्था महेंद्र देशमुख, भूपेश ठाकुर, बाली घोसी, विकास जाट, आलोक साहू, प्रमीला रामचरण पटेल, महेश फुलेरी, सोनू परमार, राजा अकोदिया, राहुल दायमा, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती अहिल्या पवार, दीपेश कानूंगो, फरजाना आबिद खान, श्याम पटेल आदि ने अपने वार्डों में आ रही समस्याओं के बारे में सभापति श्री जैन महापौर श्रीमती अग्रवाल को अवगत कराया, जिस पर सभापति रवि जैन द्वारा सभी समस्याओं के निराकरण के लिए परिषद में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए परिषद सदस्यों से कहा कि 45 ही वार्डों में बिना किसी भेदभाव व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य किए जा रहे हैं। राजा अकोदिया द्वारा वार्ड में विधायक निधि से नवीन मुक्तिधाम का निर्माण होने पर विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार को धन्यवाद प्रेषित कर उनका आभार माना। परिषद सम्मेलन में आयुक्त रजनीश कसेरा के प्रथम परिषद बैठक होने पर महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने तथा इंजीनियर डे होने पर नेता सत्तापक्ष मनीष सेन एवं नेता प्रतिपक्ष श्रीमती अहिल्या पवार ने साथ ही सांसद प्रतिनिधि राजेश यादव की प्रथम बैठक में उपस्थिति पर आयुक्त रजनीश कसेरा ने स्वागत किया। परिषद का सम्मेलन राष्ट्रीय गान के साथ सौहार्दपूर्ण संपन्न हुआ। चर्चा आहूत करने के लिए पत्र आपके समक्ष दिया था, जिसमें मैंने प्रश्न पूछा था, प्रश्न नहीं करे चर्चा का विषय बोला था कि जिसमें 15वें वित्त आयोग में 2 तरह की ग्रांट मिलती है और उस ग्रांट के संबंध में मैंने आपसे आग्रह किया था चर्चा आहूत करने का। एक मैंने आश्रय निधि के संबंध में चर्चा आहूत करने का निवेदन आपके समक्ष किया था। माननीय सभापति जी, आपने आश्वासन दिया था कि मुस्तक आप एक बार एक मिनट आप पहले तो शांति बनाए। अभी तक तो अच्छा है कि वर्षा नहीं हुई, ये तो फिर वापस श्रीलंका में हानि होती लोगों की। गणेश चतुर्थी अब ये कहां से ले आए? सभी का मुद्दा है, जमीन का मुद्दा है, ये मतलब एक मिनट सभापति जी आप ये बात कर रही है, एक मिनट इतनी आदमी मिलते हैं आप देख के आज लेकिन लो बोलना आप सुन लो पहले आप फोटोग्राफी करा लो अधिकारियों को कितना प्रेम क्यों है ठेकेदारों से आज दिन मेरा 6 सालों से भी आप फोटो लेने के लिए आना आप लोग मुद्दा उठाते सिप्रा बैराज के जो उपयोग संस्था कर रही देवास वाटर प्रोजेक्ट, इसके लिए मैंने प्रश्न दिया था, उसके बाद मुझे बोला गया था लिखित रूप में जवाब देंगे, उसका प्रश्न ये है मेरे पास। लेकिन देवास एनवीटीए जो हम लोग को देवास में आज की तारीख में हमें नगर निगम को 512 करोड़ रुपए का हमें बिल दिया है पानी का, ये वास्तव में एक बहुत अधिक भार है, क्योंकि जबकि तेजो सिप्रा और नर्मदा लिंक योजना थी ये वास्तव में उज्जैन सीएसएस के लिए बनी थी और उज्जैन सीएसएस में जो पानी हमको देवास के देव हमारा देव का उपयोग करा था, तो जो पानी हमारी सिप्रा के लिए हमें देना था वो सिप्रा ओरिजिनल सीएसएस को देना था, लेकिन डैम का उपयोग हमारा करा था और डैम के आने के कारण हमें उसका बिल दे रहे हैं जबकि हम उपयोग नीचे हमारा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। उसके बाद हमें जो पानी दे रहे हैं ये 22 रुपये प्रति 1000 लीटर के हिसाब से दे रहे हैं, जबकि वास्तव में देवास वाटर प्रोजेक्ट जो उसका उपयोग कर रहा है वो 10 रुपये प्रति 1000 लीटर के हिसाब से कर रहा है और वो औद्योगिक क्षेत्र को बेच रहा है 56 रुपये से 60 रुपये प्रति हजार लीटर, तो वो एक तरफ कमाई का साधन बना रखा और हम नगर निगम देवास जनता की सेवा कर रहे हैं। तो लगभग हमें जो जल संसाधन का एक पत्र आया था हमारे नगर निगम ने दिया था वो 20 पैसे प्रति लीटर 1000 के लीटर से हमें जल संसाधन का वो पत्र मिला था, उस मान से हम सोच करें
तो लगभग हम 20 रुपए 2 पैसे प्रति हजार को प्रति वर्ष वृद्धि करना था। तो उस हिसाब से हमें कभी हम देखे तो हमें कम से कम 2 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का व्यय नहीं आएगा। तो वास्तव में ये हमारे लिए अधिक बाहर है। और दूसरा देवास वाटर प्रोजेक्ट जो हमारे डैम का उपयोग कर रहा है और पानी को बेच रहा है उद्योग क्षेत्र को, इसके लिए भी हमें संकल्प पारित करना चाहिए और राज्य शासन को बताना चाहिए कि हमारे लिए अत्यधिक भार है। क्योंकि इसी आधार पर सीएस में जब उज्जैन नगर निगम ने इस राज्य शासन ने उनको भी एनबीडी उनको भी अतिरिक्त भार के लिए बिल दिया था तो उन्होंने राज्य शासन से बात करी थी और उज्जैन नगर निगम ने 325 करोड़ रुपए माफ कराए थे। तो हमें राज्य शासन से संकल्प करके और पूरा रूप से इसको अवगत कराना चाहिए और पत्रवार जो अभी तक हमारे पत्र हैं उन सबको संकलन करके राज्य शासन को अवगत कराना चाहिए, जिससे हमें जो हमारे नगर निगम को अत्यधिक भार है क्योंकि हमारा जल का अभी तक 7.5 करोड़ रुपए हमारा बजट है। पूरी नगर निगम बिक भी जाएगी, पूरी नगर निगम की प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी, उसके बाद भी हम 512 करोड़ एनबीडीओ को नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमें इस पर संकल्प पारित करना चाहिए और राज्य शासन को देना चाहिए।